गाड़ी छोड़ देंगे, साइकिल से चलेंगे। मजबूरी है, चलाना तो है। आप चाहती है कि जनता जो है बस इसी पेट्रोल से जो है अपना गाड़ी जो है जला दे। वोट मांगने के समय जनता का पैर पकड़ता है, जब वोट पड़ जाता है तो जनता के सर नहीं छोड़ देता। ठीक है, इसमें गलती केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जो वैट लगाती है, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। बेल समाचार 24x7। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आए हैं, पंप पे आए हैं। कारण है, सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में गाड़ियां चलती है, दिन पर दिन लगातार पेट्रोल डीजल की लगातार महंगाई पर मार तो पड़ता ही है। लेकिन गाड़ी चलाने वाले, चाहे वो व्यवसाय की दृष्टि से हो चाहे वो निजी गाड़ी हो, उनका भी हालत ख़राब है कि करे तो क्या करे, या गाड़ी छोड़कर साइकिल की सवारी कर ले। अब यहाँ पर आए हैं बहुत तरह के लोग, तेल और तेल का तो इस्तेमाल होता ही है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की खरीदारी करने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ के जनता जनार्दन से भी जानकारी लेते हैं कि क्या लग रहा है, क्या केंद्र सरकार से उम्मीद है कि तेल का दाम घटेगा कि और बढ़ने वाला है। हम इनसे पूछ लेते हैं। आइए सर। इसमें गलती केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार जो वैट लगाती है, राज्य सरकार जो टैक्स लगाती है, वो तो केंद्र सरकार के इशारे पे लगाती है कि आप इतना जो वैट लगा रहे हैं उस वैट को ही घटा दे तो जो पेट्रोल का महंगाई है वो कम हो जाएगा। समझ गए? आज तो ऐसा स्थिति हो गया है, पूरे देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस समय कांग्रेस की शासन था 2-4 रुपया बढ़ता था पेट्रोल का दाम, तो उस समय लोग हंगामे करने लगते थे, रोड जाम कर देते थे, तो चूड़ियाँ फोड़ना शुरू कर देते थे। आज इतना विकास हो रहा है कि सारे लोग तक विकास पहुँच गए। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि 100 रुपये पेट्रोल हो गया, मैंने 2-4 दिन 10 दिन पे गैस का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा पैसा जा कहाँ रहा है। इसकी भी तो जानकारी होनी चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है। उम्मीद है कि घटेगा, ऐसा तो उम्मीद नज़र नहीं आता है, चूँकि कच्चे तेल का दाम वही अभी प्रति बैरल है। कोरोना काल में भी वही था। सारे देश, अपना पड़ोसी देश को देख लीजिए, वहाँ पेट्रोल की दाम कम है, हमारे भारत में सिर्फ पेट्रोल का दाम ज़्यादा है। क्या नाम हुआ? विकास कुमार। विकास जी बताइए, डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या लग रहा है? क्या सवारी जैसे मिलता है वैसे मिलता है? नहीं, पहले जैसा नहीं। एक तो सबसे पहला नंबर की रेट तो तेल का बढ़ रहा है, कोई भी चीज़ में, तेल हो, गैस हो, कड़ुआ तेल हो, रिफाइंड हो, सभी चीज़ पे रेट बढ़ रहा है। दूसरे नंबर कि कस्टमर लोग उस आधार से पैसा देना नहीं चाह रहे। अब जैसे माल पहले ढोवाता था, मान लीजिए जैसे 60 रुपये था, तो अभी मतलब 400 रुपये में मिलता था, अभी रेट 86 रुपये कुछ पैसे है, लेकिन भाड़ा वही का वही है, जो 400 है 400 है। अगर बढ़ाने के लिए अगर उम्मीद करते हैं तो क्या बढ़ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस सरकार से यही चाहते हैं। दूसरा नंबर कि एक तो इधर डीजल का रेट बढ़ता, तेल का रेट बढ़ता, प्लस कि ट्रैफिक पुलिस है, वो पकड़ लिया तो वो 200-300 का झमेला मार दिया, 400 रुपया कमाएगा, उसके बाद पुलिसे को 200-300 दे देगा। सरकार से यही गुजारिश है कि पुलिस प्रशासन को भी समझना चाहिए कि हम लोग गरीब गुड़बा आदमी का काम करते हैं, तो 200-300 का झमेला वो ना रखे। सब पेपर हम लोग का ओके रहता, फिर भी पकड़ लेती है तो कहता 200 लाओ, माल ऐसे है वैसे है, ऐसा कहता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं ये गाड़ी जो है चला रहे हैं, लेकिन डीजल का दाम बढ़ गया है। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार नाम है। पहले डीजल कितने में बढ़ाते थे, अब कितने में बढ़ा रहे हैं? अभी नाम मतलब पहले कितने बढ़ाए थे इसमें पूछना पड़ेगा कम वाला। आपको मालूम नहीं है? नहीं मालूम है, मगर अभी याद नहीं है। 86 रुपये लीटर हो गया है। 86 रुपये लीटर हो गया। अच्छा, हाँ। भाड़ा बढ़ा दिए है? भाड़ा हम बढ़ा दिए, पोस्टर लगाया हुआ है। पोस्टर लगा दिए है जी। क्या उम्मीद है, क्या मांग करते हैं, क्या सरकार घटाएंगे रेट? रेट घटाएंगे तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस गाड़ी में चार्ट लगा दिया गया है और भाड़ा का। यहाँ पर कुछ और लोगों से भी हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल बढ़ता जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। दीपक जी, पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है, क्या उम्मीद करते हैं? क्या गाड़ी चलाने का इच्छा मन करता है आपको? नहीं। क्यों? क्या करें, इतना पेट्रोल महंगा हो गया। हाँ तो उम्मीद करते हैं कि कम हो। हाँ जरूर करेंगे। क्या नाम हुआ बाबू? दीपक। मेरा भी नाम दीपक। क्या करते हो दीपक? स्टडी करते हैं। आप? आदित्य। पेट्रोल का दाम कितना है मालूम है ना? बहुत बढ़ गया है पेट्रोल का दाम। अच्छा, पेट्रोल के दाम में गिरावट आनी चाहिए, हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। पेट्रोल का दाम बहुत आसमान छू रहा है। अच्छा, पेट्रोल के दाम में गिरावट होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। पक्का लग रहा है? हाँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी जो गाड़ी चालक या निजी गाड़ी चालक वाले जो है, वो भी बता रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की लगातार
रेट जो है जो कम होना चाहिए वो दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ और सज जाना हुआ। सर क्या नाम हुआ आपका? अरुण कौर। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। हाँ वो तो मालूम। क्या मांग करते हैं सर? क्या मांगेंगे, अब गाड़ी छोड़ देंगे साइकिल से चलेंगे। जी साइकिल से चलना पड़ेगा और कोई मांग क्या है? मांगने से कोई पूरा हो नहीं ना हो जाता है। रोज हल्ला हो रहा है तो कोई कम कर रहा है नहीं ना कर रहा। इससे अच्छा है कि साइकिल छोड़ दो गाड़ी, काहे कि मांगने से मिलता नहीं है। तो क्या डिमांड करेंगे वो पूरा तो होगा नहीं, फायदा डिमांड करने से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका भी कहना बिल्कुल सही है कि पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ेगा तो हम साइकिल की सवारी करने पर हम मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या नाम हुआ सर आपका? सन्नी कुमार। पेट्रोल डीजल बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं लड़ा, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम तो सबको आम आदमी को हो ही रहा पेट्रोल से, क्योंकि पहले 85। इसमें दोषी कौन है, राज्य सरकार की केंद्र सरकार? दोषी दोनों है, क्योंकि दोनों जो ये तो अधीन आता है केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार का अधीन आती है तो केंद्र सरकार भी अपना एक्साइज ड्यूटी कम करे, प्लस जो राज्य सरकार है वो भी अपना बैट कम करे, तो ही कंट्रोल होगी। अगर 50-50 भी अगर कम कर देती है ना तो उससे पेट्रोल का प्राइस डाउन हो जाएगी, मतलब 70-80% तक में आ सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या नाम हुआ आपका? जी टिंकू केसरी। पेट्रोल लगातार बढ़ती जा रही है, कभी 26 रुपये पहले तो 26 रुपये और 30 रुपये का लमसम बढ़ा है, क्या उम्मीदें लगा रहा है, क्या रेट घटेगा कि और बढ़ेगा? किसी हाल में रेट नहीं घटेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुका है और आप इस पर काबू करने के लिए कम से कम 6 महीना आपको टाइम लगेगा, उसके बाद ही पेट्रोल और सिलेंडर गैस वगैरह जो भी है उस पर काबू कर पाएंगे। वरना 6 महीने में क्या होने वाला है? रिकवरी आ जाएगा रेट, फिर जो रेट चल रहा है 80-82 आना अनिवार्य है, लेकिन अब तो नहीं आएगा। अभी तो 92-93 रुपया है, अभी नहीं आ पाएगा। ये 100 भी जा सकता है, 100 भी, हाँ हाँ 100 भी जा सकता है, लेकिन अभी रिकवरी आने का टाइम नहीं है। इच्छा चाहता है कि आप गाड़ी चलाएं? क्यों, मजबूरी है, तेल तो बढ़ता है, मजबूरी है, चलाना तो है आपको। अगर कहीं जाना है जरूरी है तो आपको जाना ही जाना है। अब ये है कि जो रफ यूज जो करते थे वो नहीं हो पा रहा है, मतलब जरूरी जो जब जरूरी है गाड़ी का तो ही यूज हो पा रहा है। आप बताइए। नमस्ते मैडम, बताइए आपका रिएक्शन बताइए ना। वाइफ हमारी होगी। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ? मैंने ज्योति। अच्छा ये बताइए, आप हस्बैंड वाइफ है ठीक है, ये जा रहे हैं कहीं भी तो तेल का तो खपत हो ही रहा है, क्या लग रहा है कि शॉपिंग मार्केटिंग करने में अब इच्छा होती है? होती है, जरूरत पर हर चीज़ अच्छा लगता है। जी जी। और आप समझ लीजिए कि अभी आपको बताएं कि जब जरूरी है तो ही गाड़ी का यूज हो पा रहा है, और ऐसे रफ जो हम लोग निकल जाते थे गाड़ी लेके वो थोड़ा कंट्रोल कर रहा है हम लोग। अभी आर्थिक स्थिति के हिसाब से अभी चलेगा ऐसा ही, 6 महीना बाद ही रिकवरी होने का चांस है। जब तक एक्साइज ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी सेंटर गवर्नमेंट कम नहीं करती है और राज्य सरकार बैट कम नहीं करेगी ना, तब तक पेट्रोल का प्राइस यही रहेगा। तो दोनों को चाहिए कि कम से कम जो जनता है उसके लिए थोड़ा बहुत अपने अपने मतलब राज्य के अधीन जो आती है वैट वो थोड़ा सा कम कर दे, और थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जो वैट लगा रहे हैं उसमें भी आप डिस्काउंट कर दीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देख सकते हैं ये गाड़ी वाले मालवाहक वाले हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? कारू यादव। क्या नाम हुआ? कारू यादव। कारू यादव, कारू जी बताइए, डीजल तो दाम बढ़ गया है। हाँ जी। जो आप माल जो ढोते हैं तो वो भी बढ़ा दिए क्या कि कम है? ना अभी वही है। अच्छा वही रेट है, उम्मीद है कि बढ़ाएंगे? अब उम्मीद है, देखिए बढ़ाएंगे लोग तब ना। सरकार से क्या मांग रखते हैं, क्या घटेगा? घटवे करेगा लग रहा है, घटेगा। अब घटेगा कि कहाँ बोले हम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, कारू जी है और बहुत अच्छा बात बोले कि घटने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? सौरभ सिंह। सरकार, सौरभ सिंह सरकार, सरकार लग रहा है कि बिहार में आप ही चला रहे हैं, है हमारा ही सरकार ही। ये बताइए सौरभ जी, पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार बढ़ा रही है, हमको कोई प्रॉब्लम पेट्रोल दाम से नहीं है। अच्छा। सरकार को नहीं नफा पड़ रहा है तो इसलिए बढ़ा रही है, हम संतुष्ट है बढ़ाने घटाने से। मतलब लग रहा है कि 100 रुपया भी हो जाएगा तो हमको गाड़ी चलाना ही, गाड़ी चलाना ही पड़ेगा, क्यों नहीं चलाएंगे हम, हमको कोई दिक्कत नहीं है चलाने से, चलाएंगे गाड़ी। अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। रंजीत जी बताइए, पेट्रोल का दाम डीजल का दाम लगातार बढ़ती जा रही है, क्या उम्मीद है, क्या राज्य सरकार दोषी है कि केंद्र सरकार दोषी है? इसमें तो पूरी तरह से केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों दोषी। केंद्र सरकार भी इस पर जो है बेहतरीन तरीके से टैक्स लगाते जा रही है और राज्य सरकार भी इसमें किसी तरह का जो है रिलीफ नहीं दे रही अपनी जनता को। चाहती है कि जनता जो है बस इसी पेट्रोल से जो है अपना गाड़ी जो है जला दे।
आपको वही लग रहा है। धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार। बताइए नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार तो नीतीश कुमार की, आपका भी नाम नीतीश कुमार है, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है? ये सब राजनीतिक है। अच्छा ठीक है, और कुछ नहीं है ज़्यादा, हम क्या बोलें, सरकार जो कर रहा है जो अपने लिए कर रहा है, जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, अपना इनकम के लिए सब भी देखता है, जनता के लिए कोई नहीं देखता। वोट मांगने के समय जनता का पैर पकड़ता है, जब वोट पड़ जाता है तो जनता के सब निछड़ देता है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भी जवाब बिल्कुल सटीका दिए हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं ये ट्रक है, और ट्रक नहीं है यहाँ पे। आप क्या क्या नाम हुआ आपका? दीपक। अच्छा दीपक जी, आप आइए, क्या नाम हुआ? कैलाश कुमार। कैलाश जी बताइए, डीजल का दाम लगातार बढ़ते जा रही है, ट्रक जो पहले 200 लीटर में सब जगह घूम लेते थे, अब क्या लग रहा है, क्या धीरे धीरे जेब खाली होती जा रही है? पूरा जेब खाली है कि बच भी नहीं करता है, कुछ कुछ भी नहीं बचता है, चल रहा है धीरे धीरे। तो माल भाड़ा भी तो बढ़ोतरी कर दिए होंगे? भाड़ा कहाँ है, उतना ही है, भाड़ा उतना ही है, डीजल के रेट बढ़ रहा है पर भाड़ा जितना है उतना ही है। अच्छा, वही वही रेट पे अभी चला रहा है जी। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? क्या उम्मीद करेंगे, तो देखिए कि धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, घटने के कहाँ को उम्मीद करते हैं कि कब का ऐसा सरकार से क्या उम्मीद कीजिएगा? नहीं कुछ नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं नोजल कर्मी है, ये भी त्रस्त है, कभी 2 लीटर 3 लीटर लेने वाला है, आज 30 रुपया 40 रुपया लेने के लिए लोग मजबूर है, महंगाई है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। संजय जी बताइए, इस तरह का तो कस्टमर आ ही रहा होगा? कस्टमर तो बहुत आ रहे हैं। अच्छा, और क्या बता सकते हैं, कस्टमर लड़ने के लिए हैं, काहे बढ़ा रहे हैं, हम लोग हम अपना सिर से थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ये तो सरकार कर रहे हैं, क्या बढ़ाए हुए? तो कस्टमर तो कस्टमर जो समझेंगे वही ना बोलेंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार रहती है, सेंटर से बढ़ रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात बोले, बता देते हैं आपको, तमाम लोगों को बता रहे हैं जितने भी वाहन चालक वाले हैं कि इनका दोषी नहीं है, दोषी होता है कौन? सरकार, क्योंकि सरकार के अधीन ही होती है, चाहे वो गैस का दाम में वृद्धि हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, तमाम चीज़ें जितने भी चीज़ अगर है वो सरकार के अधीन होती है, ना कि ये तो सर्विस करते हैं, काम करते हैं, अपना पेट पालने के लिए करते हैं। ऐसे ही वेब समाचार 24x7 देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते, हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए अंदाज नए उत्साह के साथ, तब तक हम आपसे लेते हैं, बाय बाय।